Good morning, students. How was your exam? I hope it was very good. And आप exam के बाद हम फिर से अपना classes शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो आज हम हिंदी first में पढ़ेंगे part 4, जो है मेरी माँ. जो मेरी माँ जो part है, यह एक आत्मकथा है. किसकी आत्मकथा है? राम प्रसाद बिस्मिल जी की. यह आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल जी की है, जिसमें उन्होंने अपनी माँ के बारे में वर्णन किया है, माँ के योगदानों का वर्णन किया है कि उनके जीवन में माँ के क्या क्या योगदान रहे हैं. तो ये आत्मकथा पढ़ने से पहले हम बताएंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में. राम प्रसाद बिस्मिल जी कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहांपुर ज़िले में हुआ था. इनकी माता का नाम मूला रानी और पिता का नाम मुरलीधर था. इन्होंने 30 साल के जीवन काल में कुल मिलाकर 11 पुस्तकें लिखीं. इनकी 30 साल की उम्र तक इन्होंने 11 पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें सारी की सारी पुस्तकें गोरी सत्ता यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई. बिस्मिल जी को 30 वर्ष की आयु में दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दे दी गई. रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार माँ के कर्तव्यों का कोई भी मनुष्य ऋण नहीं चुका सकता. अब इसमें आत्मकथा में उन्होंने माँ के बारे में वर्णन किया है. उन्होंने कहा है कि माँ के कर्तव्यों को कोई भी मनुष्य ऋण नहीं चुका सकता. बिस्मिल जी अपनी उन्नति में माता द्वारा दिए गए योगदान के प्रति इतने अधिक आभारी थे कि उनके विचार से वे इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी प्रयास करते तो भी माता के ऋण से उदृढ़ नहीं हो सकते थे, अर्थात माता के ऋण को नहीं चुका सकते थे. माता जी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने ही बिस्मिल जी में दृढ़ता उत्पन्न की कि उन्होंने किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी अपने संकल्प को नहीं त्यागा. उनका संकल्प क्या था? देशभक्ति थी. क्रांतिकारी, वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे. बिस्मिल जी की माता जी ने शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उनका बहुत सहयोग किया, उनकी बहुत सहायता की. रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मेरी माँ सदैव अपनी प्रेरणा भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रहीं. उनकी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई भी कष्ट अनुभव नहीं किया. उनकी दया की छाया इस प्रकार थी कि वो मेरे सारे कष्टों को दूर कर देती थी. इस संसार में मेरी किसी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है. मेरी कोई भी कामना नहीं है, जीवन को जीते हुए कोई भी इच्छाएं नहीं है. केवल एक तृष्णा है, केवल एक इच्छा है. वह यह है. कौन सी इच्छा है? वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करूँ, अपने माँ के चरणों की सेवा करूं और अपने जीवन को सफल बना लूं. बिस्मिल जी की एकमात्र इच्छा क्या थी? कि वे अपनी माँ की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लें. लेकिन अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि वह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे. उन्होंने जितनी भी पुस्तकें लिखी, उन पुस्तकों से जो भी धन कमाया उससे क्रांति के लिए हथियार खरीदे, ठीक है? अर्थात उनने अपना जीवन क्रांति में देश के लिए लगा दिया. तो अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी की सुना देने के कारण उनकी यह इच्छा पूरी ना हो सकी, जो कि थी अपनी माँ की सेवा करने की. तो हमें इसमें ये जो कथा है, आत्मकथा, उसमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने यह सिद्ध किया है कि माँ केवल जन्म नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है. अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हुए उन्होंने जन्मांतर में उनके ऋण से उदृढ़ होने की किसी भी संभावना को मना किया है.
अर्थात उन्होंने कहा है कि मैं जन्मांतर में भी अपनी माँ के ऋण से उद्धरण नहीं हो सकता। ठीक है, ये पाठ चार आपका पूरा हुआ, ये पूरा पाठ आप पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है, रामप्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।